फ्रेंड्स, आपकी भी आईडी में इसी तरह से दिस अकाउंट इज टेम्पररी ब्लॉक दिखा रहा है, तो जानते हैं आइए इसका सॉल्यूशन परमानेंटली। तो चलते बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, जब हमारा स्विगी का आईडी बंद हो जाता है या जोमेटो का, तब हम परेशान हो जाते हैं। टीम लीडर और डीएल से बात करने के बाद भी, जब लाख कोशिशों के बाद भी जब हमारा आईडी शुरू नहीं होता, तब दोस्तों हम क्या करते हैं। दोस्तों, बहुत से वीडियोस मैंने देखे हैं इस पर, इस टॉपिक पर बहुत से वीडियो बने हैं, पर दोस्तों इस तरह का वीडियो ये पहला वीडियो है शायद यूट्यूब पर। तो दोस्तों, आइए जानते हैं किस तरह से हम फेसबुक से अपनी आईडी चालू कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे फेसबुक पर। आप फेसबुक पर जाओगे, फेसबुक पर आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आता है। फिर आप सर्च बार में क्लिक करोगे, वहाँ पर स्विगी डिलीवरी पार्टनर्स, यहाँ पर आपको टाइप करना है सर्च बार में। मैंने पहले ये प्रोसेस की है इसलिए मेरे इसमें आ रहा है ये। मैं सिंपली इस पर क्लिक कर यहाँ पर पहुँचता हूँ। तो देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आता है स्विगी डिलीवरी पार्टनर्स के बाद, सर्च करने के बाद। फिर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मैसेंजर डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा। आपको मैसेंजर डाउनलोड कर लेना है। मैसेंजर डाउनलोड होने के बाद आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना होगा। किसी मोबाइल में इस तरह से होता है, किसी में अलग तरह से होता है। तो मैंने ये सब प्रोसेस की है, मेरी भी आईडी बंद थी दोस्तों इसलिए। तो मैं आपको पूरा ये पढ़ के बता देता हूँ कि मैंने किस तरह से किया था। तो आपको सिंपली दोस्तों क्या है, देखिए सर्च इन कन्वर्सेशन बता रहा है मेरे यहाँ पर। आपको ये टाइप मैसेज करना है यहाँ पर, आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, आपका जिस वजह से भी बंद हुआ है प्रोफाइल। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर टाइप करना है मैसेज आपकी डी आईडी और आपके नाम के साथ, और आपका जो एरिया है उसके साथ आपको यहाँ पर टाइप करना है मैसेज, और आपकी जो प्रॉब्लम थी उन्हें बताना है यहाँ पर। मैंने मेरी प्रॉब्लम बताई थी तो मेरा सोल्यूशन हो चुका है, मेरी डी आई डी शुरू हो चुकी है और मैं वर्क भी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको फ्लोटिंग कैश जो भी होगा आप पर वो सब भरना होगा। भरने के बाद आपके आईडी 3 से 4 दिन में शुरू हो जाएंगी। सो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से मैंने मैसेज किए थे इनको, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, बैक जाऊंगा। देखिए दोस्तों, सर जी मेरी आईडी ये थी, मेरा नाम मैंने लिखा है, लॉकडाउन लगा था और बाइक का इशू था इसलिए लॉगिन नहीं हो पा रहा था। प्लीज़ मेरी आईडी चालू कर दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा प्लीज़। तो उनका रिप्लाई आया है, हम आपकी चिंता समझते हैं आईडी के बारे में, कृपया हमें बताएं आपने इसके लिए कनेक्ट फॉर्म से अर्जी डाली थी। कोई अवनी मैम है जो स्विगी की तरफ से हमसे बात कर रही है। दोस्तों देखिए, वो मुझे बता रहे हैं कि मैंने स्विगी कनेक्ट फॉर्म भरा था या नहीं। दोस्तों, मैंने फॉर्म भरा था पर मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। तो फिर मैंने बहुत दिनों तक परेशान रहा, फिर फेसबुक से जाकर मैं उनसे कनेक्ट हुआ, तब जाकर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। दोस्तों देखिए, फिर उसके बाद बताते हैं कब भरा था आपने। तो मैंने लिखा है यस्टरडे को भी भरा था और उससे पहले भी 7-8 बार भरा था, यानी मैंने बहुत बार भरा है इसे, तो मुझे भी याद नहीं कितने बार भरा है। तो आपको भी इसी तरह से मैसेज करना है दोस्तों उनको, क्या आपके पास कोई टिकट आईडी है इसके लिए। टिकट आईडी होता है दोस्तों, मैंने बहुत बार इशू अराइज किया था इसलिए मेरे पास आईडी बहुत से पड़े थे, कौन सी देना है नहीं देना उन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। तो मैं तो कुछ दी नहीं उन्हें, सिर्फ एक स्क्रीनशॉट भेजा था। देखिए, तो इसमें मेरी जो मैसेज उनकी तरफ से मुझे आए थे वो भेजा था। तो दोस्तों, आपको इस तरह से उनसे बात करनी है और आपकी प्रॉब्लम 4 से 5 दिन में सॉल्व हो जाएंगी। और अंत में मुझे आया है यू आर वेलकम, ये सुनीत जी था कोई, उनकी तरफ से भी मैसेज आया था। दोस्तों, आप इस तरह से आपके स्विगी या जोमेटो की जो डी आई डी बंद है, लॉग इन नहीं हो रही है, तो वह इस तरीके से चालू की जा सकती है।
3 से 4 दिन में शुरू हो जाएंगी, आपको फ्लोटिंग कैश पूरा भरना होगा। और दोस्तों एक बात और कि आईडी चालू होने के बाद टी शर्ट और बैग की जो भी फोटो मांगे, जब भी मांगे दोस्तों, तो आपको कम से कम हफ्ता भर 6 से 7 दिन आपको अच्छे से काम करना है, कोई सेल्फी नहीं उगानी है, हर एक सेल्फी देनी है आपको ऐप पर 6 से 7 दिन के बाद दोस्तों। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाई है। मेरी भी प्रॉब्लम थी, मैंने सॉल्व की बहुत परेशानी से, कहीं कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, इसलिए मुझे लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।